ये जो इमेज है ये ओरिजिनल है और इसकी ड्रेस चेंज करने के बाद इसको हम दिखाते हैं। पहले ड्रेस ये चेंज की है, उसके बाद ये वाली ड्रेस चेंज की है। तो इस तरह से आप भी अपनी इमेज में कोई भी ड्रेस चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। मैंने एक ये फोटो फोटोशॉप में ओपन करके रखी है। आप अपनी कोई भी एक फोटो जिसकी ड्रेस चेंज करनी है फोटोशॉप में ओपन कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ लेयर में जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू फील एडजस्टमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से सेव करेंगे। सेव फाइल में जाएंगे, सेव एज पे और यहाँ पीएसडी में इसको सेव करेंगे और ओके क्लिक करेंगे। अब इस इमेज को यहाँ से कट करेंगे और फाइल में जाके ओपन में जाके फिर से यही इमेज ओपन करेंगे। ये मैंने इमेज ओपन कर ली है। अब हमें इसका सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए हम इस पे टूल पे जाएंगे, कीप सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस इमेज का सिलेक्शन करेंगे। इस तरह से हमें पूरी इमेज का सिलेक्शन कर लेना। अब ये हाथों पे है तो इनका अनसेलेक्शन करने के लिए ऑल्ट दबा के इसको अनसेलेक्शन करेंगे। तो ये हमारे में इसका सिलेक्शन हो गया है। आप जब बनाए तो अच्छे से परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हमें इसको एक डुप्लीकेट लेयर बनाना है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए कंट्रोल जे करेंगे। ये कंट्रोल जे हो गया, इससे हमारी ये डुप्लीकेट लेयर तैयार हो गई। अब हम इस पे फाइल में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और एक पैटर्न बैकग्राउंड लेंगे। ये हमने एक बैकग्राउंड ले ली है। इस बैकग्राउंड को हम माउस की सहायता से इस इमेज के ऊपर लेके आएंगे और इसको कट करेंगे। कंट्रोल टी करेंगे और यहां से लॉक लगाएंगे और माउस से इसको बड़ा करेंगे। अब आल्ट कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और यहाँ लेयर में आएंगे, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ फिल्टर में जाएंगे और डिस्टॉर्ट पे जाएंगे और डिस्प्लेस पे क्लिक करेंगे और इसको 10 पे ओके करेंगे। जो हमने पीएचडी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सेव की थी उसको यहाँ से डबल क्लिक में ओपन करेंगे। तो ये देखिए हमारे इमेज में ड्रेस चेंज हो चुकी है। तो इस तरह से आप कोई भी ड्रेस चेंज कर सकते हैं अपने फोटोशॉप में बहुत आसानी के साथ। मैं एक और ड्रेस चेंज करके दिखाता हूँ। इसको हाइड कर देता हूँ और यहाँ से फाइल से एक और ओपन करता हूँ और एक पैटर्न और ले लेता हूँ। इसको इस पे लेके आएंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। यहाँ नॉर्मल में जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से फिल्टर में जाएंगे, रिस्टोर पे और डिस्प्लेस पे ओके करेंगे, डबल क्लिक में इसको ओके करेंगे। तो ये देखो दोस्तों हमारे इमेज में ड्रेस चेंज बड़ी आसानी के साथ हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपने किसी भी इमेज की ड्रेस चेंज बहुत आसानी के साथ फोटोशॉप के जरिए कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।